जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्स हेयर वाइटलाइजर सीरम लिखा हुआ है बाय GHC फॉर्मूला, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। यदि आपके भी बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, रूसी हो गया, डेंड्रफ हो गया, दो मुँह बाल हो गया है, बाल गिरना रुक ही नहीं रहा है, तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। इसे आप यूज़ करने के बाद आपके बाल झड़ना, टूटना, रूसी, डेंड्रफ, दो मुँह बाल सभी ठीक होने वाला है और आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। इसके बारे में हम जितना भी बताएंगे बहुत कम है और ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं मार्स बाय GHC फार्मूला है ही, और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है हेयर वाइटलाइजर सीरम, और यहाँ पर लिखा हुआ है रीडेंसली 3%। इसमें क्या क्या मिला है वो बता रहे हैं और उसका जो बेनिफिट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें रीडेंसली है 3%, प्रोकापिल है 3%, कोपेसिल है 1.5%, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट सॉल्यूशन फॉर बूस्टर हेयर ग्रोथ, ठीक है, और 60 ml, यानी कि हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है ये, जो आपको हेयर को ग्रोथ करता है, बाल को झड़ना ठीक करता है, रूसी डेंड्रफ दो मुँह बाल जहाँ से बाल झड़ चुके हैं वहाँ से हेयर को रीग्रोथ भी करता है। इसके बारे में यहाँ पर आपको बैक साइड में दिखाते हैं कि बैक साइड में क्या लिखा है और इसका पूरा इससे क्या बेनिफिट मिलता है वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं रीडेंसली के बारे में लिखा हुआ है हेल्प्स इम्प्रूव हेयर ग्रोथ वाइल रिड्यूसिंग हेयर लॉस, यानी कि जब आपके बाल झड़ रहे हैं तो उस बाल को मजबूत करके उसे ग्रोथ करने में काफ़ी ये मदद करता है। कोपासिल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प्स इंक्रीज द हेयर वॉल्यूम स्पेसिफाइनली इन द ग्रोथ स्टेज, यानी कि जब आपका वॉल्यूम कम होता है तो उस ग्रोथ स्टेज में आपका हेयर का वॉल्यूम को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। अब यहाँ पर प्रोकापिल का देखिए लिखा हुआ है हेल्प्स इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन टू द रूट एंड फोलिसल टू मेक हेयर स्ट्रोंगर, यानी कि जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ी से बढ़ाता है और रूट को मजबूत में मजबूत करता है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या मिला हुआ है, वो चीज़ इसमें बताया गया है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिला हुआ है। तो आपको हम जैसे बताए हैं इसमें तीन गो मेन है, जैसे रिसेंडली 3%, प्रोकापिल 3%, कोपासिल 1.5%, और यहाँ पर ग्लिसरीन मिला हुआ है, पेंथुलिन हिबिकस एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है, एम्बलिका मिला हुआ एक्सट्रैक्ट, एक्लिपिटा अल्फा एक्सट्रैक्ट मिला गया है, और इस तरह का यहाँ पर चीज़ मिलाया गया हुआ है। और उसके बाद में हाउ टू अप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई क्या दिया हुआ है, मतलब इसको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ बताया गया है। इसको सिंपली स्प्रे करना है अपने बालों में और मसाज करना है कुछ देर, और इसको ओवरनाइट या दिन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं या ओवरनाइट इसको ला के छोड़ दें। उसके बाद में इसको वॉश करना है सादे पानी से, कोई सी भी मतलब एकदम नॉर्मल पानी से आपको इसको हेड वॉश कर लेना है। स्टोरेज का यहाँ बताया 30 डिग्री से कम फ्रिज में इसको स्टोरेज रखना है, यानी कि 30 डिग्री कम टेम्परेचर का एथी में स्टोरेज इसको रखना है, और फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद में इसका और यहाँ पर कुछ चीज़ दिखा रहा है मार्स का बाय GHC मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा हुआ है यहाँ पर, मैन्युफैक्चर्ड किससे क्या है, मार्केटेड कौन करता है वो लिखा है, कस्टमर केयर नंबर भी लिखा है, इस नंबर से फ़ोन करके आप पता भी कर सकते हैं हाँ कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसे होगा, और आपके हेयर का फ़ोटो भेजकर व्हाट्सएप पर और उससे आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हेयर सॉल्यूशन होगा। उनका ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी पर भी जाके आप मैसेज करके ईमेल करके बात कर सकते हैं उनसे। और एक चीज़ इसमें माना जाता है कि आप जब इनसे फ़ोन करके बात करते हैं और ऑर्डर करवाते हैं तो ये आपका बेस्ट केयर करके और व्हाट्सएप नंबर देगा आपको, और व्हाट्सएप नंबर में आपका हेयर का इमेज जो भी जैसा भी आपका हेयर है वो हेयर का इमेज भेजकर उसी हिसाब से आपको ये आपको सजेशन करता है, और यूज़ करने के बाद में आपको 3 महीने के बाद में ही रिज़ल्ट दिखने लगता है कि हाँ आपके बाल किस तरह है, नहीं है, सब चीज़ दिखने लगता है। यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है, एक्सपायर डेट लिखा हुआ है, MRP लिखा हुआ है 799 MRP लिखा हुआ है, मगर हमने इसे मंगाया था 399 में केवल, क्योंकि 20% का डिस्काउंट चल रहा था इसलिए हमने फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं इसका मेन साइट से हमने इसको मंगाया था, बाय GHC का साइट से ही मंगाया था।
उसके बाद में बारकोड दिया हुआ है। आपको हम बहुत सारा वीडियो में बोल चुके हैं कि आपको अगर आपको डुप्लीकेट कर पहचान करना है तो ये बारकोड दिया है और इसको आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन कीजिएगा तो इसके पूरे डिटेल्स इसमें मिल जाता है आपको, तो इसका मतलब डिटेल्स मिल गया, मतलब ओरिजिनल है। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं डिब्बा कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह का आपको ग्रीन में रहेगा। पहले था रेड ऑरेंज में, अभी इसका बॉक्स जो है चेंज कर दिया है, कूल अबव द रेस्ट लिखा हुआ इस तरह। और यहाँ पर कुछ उसका मैसेज लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा है बी इन कंट्रोल बी आ मार्टिन मार्स बाय जीएससी। और इसका आपको क्या इस तरह का अंदर में स्प्रे करने के लिए बोतल मिलता है, इस तरह का स्प्रे करने के लिए बोतल आपको मिलता है, और काफ़ी अच्छा होता है, आसानी होता लगाने में। ये आप देख सकते हैं इस तरह का दिया हुआ है, मार्स लिखा हुआ है यहाँ पर, मार्स बाय जीएससी। जिस तरह डिब्बा बॉक्स पर लिखा रहता है उसी तरह इस पर भी आपको लिखा रहेगा सेम टू सेम। और यहाँ पर आप बारकोड देख सकते हैं, बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी कस्टमर केयर नंबर आपको दिया है और ईमेल आईडी नंबर दिया गया है। अगर बॉक्स गुम भी हो जाता है तो ये बोतल से आप पता कर सकते हैं, कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी भी दिया है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। ये है स्पेयरिंग, स्पेयर जैसे स्प्रे करता है उस तरह का है। तो इसको खोला कैसे जाता है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, कैसे खोल के आपको यूज़ करना है। इसको ढक्कन को सिंपली से इस तरह से खींचिएगा, निकल जाएगा, ये निकल गया। ये निकलने के बाद में ये स्प्रे सिस्टम है, इसको यहाँ पर आपको प्रेस करना होता है, यहाँ पर थंब में प्रेस करेंगे और यहाँ से निकलता है। तो आपके सबसे पहले हम इसको बताएंगे आपको यही कि जहाँ पर आपके बाल नहीं हैं वहाँ पर आप इसे एक महीना कंटिन्यू यूज़ करें। जहाँ पर हल्के हल्के पतला पतला बाल हो गया है वहाँ पर आप इसको यूज़ करें, और तब आप बेनिफिट देख सकते हैं कि हाँ आपका हेयर का बेनिफिट कैसे है, हेयर ग्रोथ हो रहा है, हेयर फॉल रुका कि नहीं। और हाँ, इसको आप रेगुलर लगाइए, रेगुलर लगाइए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए, नाइट में केवल लगाइए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए। और मॉर्निंग में नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर लेना है बाल सुखा कर, और आप कहीं भी ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आराम से जा सकते हैं, कोई भी स्मेल स्मेल इसका नहीं आता है। सो थैंक यू, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे।